What's up guys, welcome back to the channel, welcome back to the another new vlog. I hope you guys are doing absolutely well. So right now it's morning 8:30 and मुझे जाना है थोड़े काम से बाहर, उसके लिए मैं अभी निकल रहा हूँ घर से. एंड आई होप ये फर्स्ट स्टार्ट में स्टार्ट हो जाए. हो गया चलो, बट इसको थोड़ा सा वार्म अप करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिनों से बंद थी ये. हो गई चालू, इसको थोड़ा वार्म अप करता हूँ एंड घर से निकलता हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ क्योंकि इसको वार्म अप होने में टाइम लगेगा. 8-10 दिन से बंद थी इसके लिए, 8-10 दिन से 3-4 दिन हो गए उसकी वजह से. तो चलते हैं इसको लेके और निकलते हैं, इसका 2-3 काम कराना वो करवा. सो फाइनली गाइज निकल चुके हैं घर से एंड आई एम सो सॉरी फॉर दी बैड एंगल, क्योंकि मैंने जो सेटअप रखा हुआ था वो मैंने बाइक के हिसाब से रखा हुआ था, मैंने एक्टिवा के ऊपर रखा नहीं था, तो उसकी वजह से आई एम सो सॉरी फॉर दी व्लॉगिंग सेटअप. बाकी आज लग रहा है मेरे को मोटा खर्चा होने वाला है, जस्ट बिकॉज ऑफ मैंने कितने दिन से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मेरे को जाना है जाना है. ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है. सो टुडे इज़ माय फर्स्ट प्रेफरेंस टू क्लियर माय बोथ दी व्हीकल्स. सबसे पहला मोटो मैंने यही रखा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ कि दोनों का भाई साहब मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा अगर और कुछ टाइम पड़े रहे. अगर सैटरडे तक भी पड़े रहे और मानसून रहा तो भाई साहब पूरे व्हीकल डेड ही हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा उसका. एंड उसमें भाई साहब 10-12 हज़ार रुपये का तो कम से कम फटका लगेगा. सो इट्स बेटर कि भाई साहब मैं एज सून एज पॉसिबल जाऊँ और इन दोनों व्हीकल्स को करवाऊँ. तो सबसे पहले मैंने ठान लिया कि मैं जाऊँगा एक्टिवा को लेके, जस्ट बिकॉज ऑफ इसके सबसे मेन रीज़न एक है, वो है कि एक्टिवा का सर्विस सेंटर खुल जाता है 8 बजे एंड इट्स राइट नाउ इट्स 8:30. सो 8:30 बजे तक अपने को अपना व्हीकल अपने मतलब 9 बजे तक अपने दे देंगे तो अपने को आराम से 11 बजे से या 11:30 बजे से पहले अपने को मिल जाएगा. सेकेंड पॉइंट कि 11:30 को मैं एक्टिवा लेके निकलूँगा तो वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू कम दी फॉर माई ऑफिस, तो मैं उसको ये एक्टिवा दे दूंगा एंड उसके बाद वो मैं घर पर चला जाऊँगा. घर से जाने के बाद मैं फसिनो लूँगा और वो मैं ड्रॉप करूँगा क्या बोलते हैं यमाहा के सर्विस सेंटर पे, और वो जैसे एक बार हो जाएगा उसको मैं लेने चला जाऊँगा कल. बट लेट्स सी कि कैसा होता है, बट जहाँ तक मुझे पता है फसिनो में भाई साहब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कंपेरेटिव टू एक्टिवा, क्योंकि एक्टिवा चालू तो हो रही है, फसिनो तो वो भी नहीं हो रही है. एंड इसका भी कुछ बोल नहीं सकते, बट आगे है सिग्नल, तो एक बार सिग्नल ख़त्म करता हूँ एंड उसके बाद आप लोगों से मिलता हूँ. सो फाइनली सिग्नल तो ख़त्म कर दिया एंड अपने पहुँच चुके हैं मानसी सर्कल. अभी यहाँ से अपने जाएंगे एक्टिवा के सर्विस सेंटर पे एंड वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जन को बोल के रखा हुआ है, अगर वो मिल जाएगा तो अच्छा है, अगर नहीं मिलेगा तो चलो छोड़ो, जो मिलेगा उसके पास करवा देंगे क्योंकि मुझे अभी एक भी मिनट और देरी नहीं करनी है. एंड बीच में मैंने इसमें कुछ जनरल चेकअप ही करवाया था और कुछ नहीं था, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी नहीं है तो ऑयल सबसे पहले डलवाना है. और पता नहीं फसिनो का क्या हाल है क्योंकि लास्ट बहन चला रही थी, उसके बाद मैंने चलाया ही नहीं है, उसके बारे में तो मेरे को 0 आइडिया है. ये तो मैंने कभी कभी बीच में निकाल भी लिया था बट एक्टिवो को फसिनो को तो मैंने निकाला ही नहीं था. तो लेट्स सी क्या रहता है कैसा रहता है एंड चलते हैं एक बार सर्विस सेंटर एंड वहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है एंड कितना खर्चा आता है. सर्विस बस यहाँ तक पहुँचे हैं एंड भी उसका सर्विस वगैरह सब करवाना है तो सब करवाते हैं एंड देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या होता है क्या नहीं. तो बस पहले तो पूछते हैं कितना टाइम लगेगा एंड मुझे कैसे भी करके एज सून एज पॉसिबल इसको लेके निकलना है, अगर टाइम नहीं मिलेगा तो पीछे लेके चले जाना. तो फाइनली अभी मैं यहाँ के जो वेटिंग एरिया वहाँ पर हूँ, सामने है अपने एक्टिवा और वहाँ पे रख दिए हैं और अभी उसी को ठीक करवाना है और फिर लेके जाना है. बहुत ज़्यादा काम पेंडिंग है, घर के भी काम पेंडिंग है, उसके बाद मेरे को दूसरा वाला भी व्हीकल मैंने जो दिया हुआ उसको भी ठीक करवाना लेना जाना है, तो उसका भी पता नहीं कितना होगा क्या होगा. तो आज के दिन में 5-6 या 7 हज़ार का तो कटका पड़ने वाला है, बट चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा, बट अभी के लिए ये सीन है.
उसको करवाते हैं ठीक है। मैंने यहाँ पर टाइम लिमिट दिया है 10:30 बजे तक, उसने बोला कि हाँ 99% हो जाएगा और उसके बाद अपने यहाँ से चलेंगे एंड देखते हैं आज का दिन कैसा रहता है, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहने वाला है। सो अभी अपना व्हीकल हो चुका सर्विस, सिर्फ वॉश कराने का बाकी है, तो वॉश के लिए अभी यहाँ पर रखा हुआ वो भैया धोने वाले हैं, तो बस कुछ टाइम और उसके बाद इसको लेके अपना निकलेंगे। ठीक से पहले वॉश करवाना है, बाकी सारी चीज़ें भी हो चुकी है ऑलमोस्ट, अभी कुछ बाकी नहीं है सिर्फ वॉशिंग के अलावा। सो फाइनली एक्टिवा इज रेडी एंड अभी इसको लेके निकल रहा हूँ मैं। यस एवरीथिंग इज ऑल सेट टू गो एंड चलते हैं। एंड यस इसका बिल बना है 2000 रुपये भाई साहब, जिसमें पता नहीं कितना कितना करके लगाया है, और सामने खड़ा था तो आई एम गुड। अभी निकलते हैं अपने यहाँ से। सो अभी अपने को चलना है एक फ्रेंड को पिकअप करने के लिए, क्योंकि मेरी उससे बात हुई थी तो शी टोल्ड मी कि शी इज़ गोइंग बाय कैब, और वो भी ऑफिस जा रही है, तो मैंने बोला भाई ऑफिस जा रही है तो फिर कैब में पैसे क्यों डाल रही है, साथ में ही चल लें और वहीं से तू डायरेक्ट चली जाना तो उधर को भी यूज होएगा और मेरे को भी, क्योंकि मुझे अभी जाना है फसीनों के सर्विस सेंटर पे फसीने को लेके, क्योंकि मैं पहले देने गया था बट मेरे को वहाँ से वापस कॉल आया था कि आप अगर हो तो अच्छा है, तो मैंने बोला ठीक है लेट्स सी, बट फिर मेरा मन भी नहीं किया था वहाँ पे छोड़ने का जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, मेरे को भरोसा नहीं था इसकी वजह से। एंड उसके बाद मैंने बोल दिया कि भाई आप एक काम करो वापस भिजवा दो, तो उसने घर पर भिजवा दिया और चाबी बाजू वालों को दे दी थी और वो फाइनली हो भी चुका था सब कुछ। तो मैंने सोचा कि आज जाऊँगा खुद लेके और देखता हूँ कि क्या होता है क्या नहीं, तो सबसे पहले तो लेने जाना मेरे फ्रेंड को एंड उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑफिस एंड वो जाएगी ऑफिस एंड मैं जाऊँगा फसीनों को लेके। एंड मैंने आज हाफ़ डे की छुट्टी लेके रखी हुई है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, छुट्टी लेके रखी हुई मतलब मैंने बोल के रखा है मैं आज हाफ़ डे के बाद आऊँगा जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे काम है। एंड भाई साहब पेड लीव नहीं है, अनपेड ही है, क्योंकि भाई साहब आपको पता है अगर न्यू जॉब स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को मिलती नहीं है छुट्टियाँ वुट्टियाँ कुछ भी, बट चलो कोई बात नहीं वो करवाते हैं एंड यस चलते हैं करते हैं उसको पिकअप। आंधी पाचड़ा दो जी। सो अभी आया है उसकी पीयूसी करवाने के लिए एंड यस डीजे जीरो। सो गाइज अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ एंड इसका सारा काम हो चुका है, बाइक इज़ ऑल सेट एंड इसमें खर्चा आया है टोटल 2100 रुपये का पीयूसी वीयूसी सब मिला मिला के। एंड आई होप आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, पसंद आया तो डोंट फॉरगेट द लाइक बटन, नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो आप लोगों को टोटल पता ही है करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ये वाला व्लॉग यहीं पे एंड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज वो बहुत लंबा बन जाएगा, वो मुझे करना नहीं है। आज का दिन का पार्ट 2 भी आएगा तो बने रहिए उसके लिए। बाकी आप सभी लोगों को मिलूंगा मैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन सी यू एवरी वन।